कुछ दिन पहले भंडारा चल रहा था, वहाँ से चला आया, फिर अभी गुरुद्वारे से खाना लेकर आए। बच्चे बोलते हैं कबले मम्मी ऐसा दिन आएगा कि हम दूध की चाय पियेंगे। मैम हमारा बच्चा तो फोर्थ क्लास में है, पूरा साल निकल गया हमारे बच्चे की कोई ऑनलाइन पढ़ाई नहीं, क्योंकि हमारे पास बड़ा फोन है नहीं, ठीक है। हमने हमारे पास ऐसी मजबूरी आ गई कि हमको फोन बेचना पड़ गया। न्यूज़ क्लिक की तरफ से इस समय हम खड़े हैं लाल गुंबद इलाके में। ये लाल गुंबद इलाका है पार्क, पंचशील पार्क के पास। यहाँ पर जो दिखाई देता है तकरीबन 250 से 300 झुग्गी बस्तियाँ हैं। ऐसी बस्तियाँ जहाँ पर आधे लोग किराएदार हैं, शायद आधे से ज़्यादा किराएदार। हम यहाँ पहुँचे हैं यह जानने के लिए कि केजरीवाल और मोदी सरकार का जो वादा है कि गरीबों को खाना मिलेगा, अनाज मिलेगा, राशन मिलेगा, वह वाकई कुछ ज़मीन पर उतरा है कि नहीं। कितने लोगों को राशन मिला है, कितने लोग अभी भी महरूम हैं राशन से, राशन कार्ड कितने लोगों के पास है। गरीबों को जो सुविधा देने का पूरा दावा कैमरों पर किया जा रहा है, वह अंततः लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ये पूरा इलाका एक पॉश बस्ती के बिल्कुल बगल में है और यहाँ पर बस्ती को देखकर इस बात का आकलन आराम से किया जा सकता है कि गरीब जहाँ रहते हैं वहाँ सुख सुविधाएं कुछ नहीं पहुँचती हैं। काम कहीं मैं मिल नहीं रहा, कोरोना को जस कोई जल्दी देता नहीं है, नए लोग के पकड़ाते नहीं है। अभी यही मुश्किल है सबसे बड़ी तो, कि धंधा नहीं है कुछ भी। क्या काम होता आपके यहाँ? क्या मजदूरी करते? पहले तो मैं कोठी में काम करती थी और अब मेरे पास छोटा बच्चा है, मैं नहीं जा सकती। और मेरे आदमी रेड़ी लगाते थे खाने का, तो खाने का रेड़ी तो बंद है, आपको भी पता है मैम। कुछ दिन पहले भंडारा चल रहा था, वहाँ से चला आया, फिर अभी गुरुद्वारे से खाना लेकर आए। गुरुद्वारा कितना दूर है? 5 मिनट का रास्ता है। तो क्या खाना मिल जाता है वहाँ से? कभी पूरी सब्जी मिलती है, कभी राजमा चावल दे देते हैं, कभी कुछ पूरी आलू पूरी दे देते हैं। पहले का राशन तो उसने 25 किलो दे दिया मैडम, और जो दोबारा का फ्री वाला मिला है ना, उसने 16 किलो गेहूँ दिए और 4 किलो चावल। 25 किलो मिलता था और 10 किलो चावल, अब की बारी 4 किलो ही दिए उसने। अच्छा, ये आपके राशन कार्ड है? ये राशन है। प्रेम नाम पर? हाँ जी। तो ये अभी मई में मिला आपको? मुझे 14-15 साल हो गया यहाँ रहते हुए, अभी तो एक साल से तो बहुत परेशानी हो रही है। हमारे 3 बच्चे हैं और 2 हम मियाँ बीवी हैं। हमारे आदमी दिहाड़ी का काम करते हैं और मैं कोठी में 2 जगह पहले लॉकडाउन से पहले करती थी, अब एक जगह जा रही, एक मैम चली गई हैं वो बाहर, वो साल भर से आई नहीं। अब मेरा रूम रेंट है 4,000, मुझे 5,000 मिलता है। आपका किराया कितना देना होता है? मैम मेरा किराया 3500 रुपये है और अभी मेरा तो रूम रेंट काफ़ी बाकी है। हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं, कैसे क्या बताऊँ आपको, मजबूरी है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा, काम कहीं है नहीं और रूम रेंट तो हमको आज नहीं तो कल देना ही है, और बढ़ता ही जा रहा हर महीने। अभी तक हम लोग पिछले साल से लेके अभी तक किराया नहीं दे पाए हैं। खाने पीने में सब कुछ दिक्कत हो गया, पति का काम छोड़ गया, मेरा काम छोड़ गया, मैं बीमार रहूँ। किराए में अब मोदी बोलता है किराए की सबको कैंसिल करना है, कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, कैंसिल ये बोलता है। पिछले साल भी नहीं बोला था, अभी भी नहीं बोला कि मकर मालिक किराए चढ़ाई जा रहे, हम कहाँ से दें, बच्चे को पेट पिन भर नहीं पा रहे, हमारा काम ही नहीं है, हमारा पास पैसा नहीं है खाने के लिए, ये किराए भरने के लिए कहाँ से दें। अभी कुछ राशन मिला है? हाँ मिला था, थोड़ा बहुत मिला था, सुमन ऐसा नगर से सुमन दीदी ने दिला दिया था। सरकार से नहीं मिली कोई मदद? नहीं, दीदी ने ये दिला दिया था। एक साल से तो मैम काम धाम ठीक चल ही नहीं रहे, मैं जो भी एक साल से थोड़ा कमा रही थी 8,000 सैलरी था, उसमें मेरा हस्बैंड नहीं है, गुजर गए, 2 बच्चे गांव में मम्मी के पास छोड़ी हूँ। परेशानी तो है बहुत कुछ है, और अभी तो फिलहाल इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा मेरी परेशानी है, क्योंकि मैडम ने मना कर दिया है काम के लिए, घर बैठी हूँ, कोई तो कमाई दूसरी। पैसा तो दे रही होंगी ना? नहीं दे रहे,
बस 15 दिन में 20 दिन में एक बारी दो बारी फ़ोन करा था, कैसा चल रहा है ईजा, क्या है, अभी बुलाती हूँ मेरे घर में, मतलब मैं बीमारी की वजह से थोड़ा डर रही हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। और अभी तक तो काम पे भी नहीं बुला रहे और उनकी तरफ से कुछ हमारी सहायता भी नहीं मिल रहा है। चल घर बैठे हो तो 1000-2000 ले लो, ये सुविधा भी नहीं कर रहे। और बीच में ये NGO की तरफ से राशन मिला है। बस छोटे बच्चे की ज़्यादा दिक्कत आ गई है कि उसको दूध कहाँ से पिलाएं, चीनी कहाँ से ले आएँ और गैस कैसे भरवाएं, यही सब दिक्कत है। किराए की दिक्कत है, 2 महीने से किराया भी नहीं दी हूँ। बच्चे बोलते हैं कब ले मम्मी ऐसा दिन आएगा कि हम दूध की चाय पियेंगे। हम तो बहुत ही परेशान है, सरकार तो सोचते हैं कुल अच्छा ही कर रहे हैं और हम लोग को क्या कर रहे हैं। हम लोग तो यहाँ करे और सब बोलते हैं कि गरीब कहाँ है, गरीब तो अच्छे से खा नहा करे। अब हम लोग पता करे अपना गांव देश छोड़ के यहाँ खाने कमाने आए, यहाँ भी यही 1 साल से चल रहा। हम क्या करें, क्या खाए, क्या बच्चों खिलाए, कहाँ से क्या करें। एक जगह जा रही हूँ वहाँ नहीं जाऊँ तो किराया रोक लूँ तो खा लूँ, खा उन तो किराया दूँ, अब यही लफड़ा चल रही है। कोरोना आपके लिए बड़ा है या ये जो अभी आर्थिक मंदी है ये बड़ी है, किससे ज़्यादा परेशान है आप? परेशान तो हम दोनों से ही परेशानी है, लेकिन कोरोना जो बोल रहे हैं कि ज़्यादातर हम सुनने में आ रहे हैं कि हमारी आम पब्लिक ज़्यादा ही मर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम कभी ऑक्सीजन लेके जाओ, हम इतने पैसे लाओ, इतना पैसा भरो, है नहीं हमारे पास। बड़े आदमी के पास जाके आप लोग हमसे पूछते हैं, बड़े आदमी के जाके पीछे से देखो उनके घर में 3-4 सिलेंडर रखा हुआ है। हमें पता है ना, क्योंकि हम 2-4 घरों में जैसे कोई चला जाता है 8 दिन के लिए 15 दिन के लिए करते हैं, हम पेट गुजारा करते हैं। अच्छा, लोगों ने अपने घर में सिलेंडर का रखा है, बड़े बड़े आदमी रखा है, तो गरीब लोगों को आम पब्लिक को कहाँ मिलेगा। आपने जिस तरह से अदालत में इस बार खटखटाया है, जिस तरह से कोशिश की है, क्या लगता है कि आखिर जो दूसरा ये लॉकडाउन है इसमें भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ी या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है? देखिए भाषा, कोविड है, सबको मालूम है, ये भी मालूम था कि सेकेंड वेव भी आएगा और सरकारों ने जिस तरीके की लापरवाही बरती, केंद्र सरकार ने भी, हमने जैसे देखा कि पॉलिटिकल रैलीज चलती रहीं, बड़े बड़े रिलीजियस फंक्शंस चलते रहे, तो ये तो होना ही था कि इस तरीके की लहर आती। अब पहली बार जब कोविड की मार आई देश पर, तब लॉकडाउन इम्पोज हुआ और ये था कि इसके बारे में तो हम पहले जानते नहीं थे कि कैसे ऐसे स्थिति से कोप किया जाए। तब भी हमारा ये मानना था कि एक देश जहाँ पे 90% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे में सरकारें कैसे कह सकती हैं कि हम जानते नहीं थे कि क्या चैलेंजेस आएंगे। पर मान भी लीजिए कि पहली बार सरकारों को समझ में नहीं आया, अब दूसरी बार फिर लॉकडाउन पूरे देश में अलग अलग राज्यों में लगाए जा रहे हैं क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है सेकेंड सर्ज से डील करने का। तो उम्मीद ये थी कि लॉकडाउन करते समय पिछली बार के लेसन से सीखते हुए सरकारें तुरंत कुछ राहत, कुछ खाद्य सुरक्षा के लिए प्रावधान करेंगी। और हर बार हम यही कहते आए कि जब आप लॉकडाउन अनाउंस करिए, कम से कम साथ में कुछ तो अनाउंसमेंट करिए जिससे कि जो लोग जो इस लॉकडाउन से प्रभावित होते हैं, जिनकी सारी इनकम बंद हो जाती है, अब किसी की इनकम नहीं है, कोई डीप पॉकेट्स तो सेविंग्स तो है नहीं किसी की कि वो उधर से अपना गुजर बसर करेंगे, तो ना उनके पास खाने के लिए सामग्री होती है, बच्चे भूखे रहते हैं, वो भूखे रहे हैं, और ना ही रेंट देने के लिए, तो वो बेघर भी हो जाते हैं। पिछली बार तो केजरीवाल सरकार ने कहा था कि रेंट माफ हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। देखिए पिछली बार भी MHA ने एक नोटिस निकाला था कि जो रेंट लेते हैं वो रेंट नहीं ले सकते। अब यदि आप इन सब बस्तियों में देखेंगे, रेंट पे जो लोग देते हैं अपना घर, वो भी कोई संपन्न परिवार नहीं है, ज़्यादातर उनका भी गुजर बसर केवल उस रेंट से ही चलता है। तो ये जो जिस तरीके के स्टेप्स थे लास्ट टाइम, उससे बहुत स्पष्ट हो गया था कि सिस्टम्स कैसे होने चाहिए। इस बार तो किसी भी सूरत में हमने देखा कि जब ये लॉकडाउन्स इम्पोज हुए तो केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर स्कीम जो शुरू करी थी पिछली बार, वो भी लागू नहीं की। आत्मनिर्भर स्कीम के तहत ऐसे लोग जो राशन कार्ड नहीं है जिनके पास, उन्हें राशन मिलना था जिससे कि उनका गुजर बसर हो सके। और अभी आप विडंबना देखिए, हमारे देश में 100 मिलियन मेट्रिक टन राशन गोदामों में पड़ा है,
सरकार एक्सपोर्ट कर रही है राशन को, गेहूं चावल को, लेकिन लोग जो भूख से पीड़ित हैं उनके लिए राशन की सुविधा नहीं दी जा रही है। सरकार को क्या करना चाहिए था? कोरोना है, लॉकडाउन किया, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं किया सरकार? जैसे मतलब राशन पानी के लिए मदद करते हैं तो हम लोग कह रहे हैं कि राशन पानी के लिए थोड़ा मदद कर दे तो अच्छा होगा। जैसे पिछले लॉकडाउन में 500 रुपया करके खाते में दिया था लेडीज़ का, हाँ वो भी तो अभी तो नहीं मिल रहा है, ना राशन पानी कुछ भी, एक ही बारी मिला था राशन और मिला ही नहीं। तो हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं, सरकार तो बोलते हैं कि सब ठीक है, लेडीज़ के लिए केजरीवाल ऐलान कर दी कि लेडीज़ के लिए काम छूट है, लेकिन बड़े घर में जहाँ हम काम करते थे वहाँ काम करने घुसने नहीं देते हम लोगों को। बोलते कि तुम लोगों से बीमारी फैलते हैं, तुम लोग बीमारी लाते हो, हम तुमको नहीं बुलाएंगे। जहाँ वो लोग 4,000 दे रहे थे वहाँ 1,500 दे रहे हैं। अगर आप लोग पूछना चाहते हो, मैं कोठी का एड्रेस देती हूँ, मैं कितना काम करती हूँ, क्या करती हूँ, आप लोग वहाँ जाके पूछताछ कर सकते हो। इस टाइम हम लोगों के लिए थोड़ा तो सहायता करना चाहिए, राशन के साथ साथ कुछ हाथ की खर्चा या जो भी पैसे की थोड़ा सुविधा, अगर वो भी नहीं कर रहे काम धाम के लिए तो कुछ तो करना चाहिए, सोचना चाहिए। खास करके मेरे जैसे इंसान अकेली बहुत ही मुश्किल है इस टाइम पर। हमारे पास मतलब राशन कार्ड नहीं है, हमारा राशन कार्ड बना दें, हम राशन राशन मतलब ला के खा तो सकेंगे। राशन कार्ड अगर रहेगा तो हम राशन कार्ड पे ले आएंगे राशन, लेकिन जब हमारे पास राशन कार्ड भी नहीं है, कहीं काम धंधा नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ काम धंधा कैसे करेंगे, कैसे कमा के खाएंगे और कैसे दो बच्चे उसको पालेंगे। स्कूल में लॉकडाउन से पहले तो खाना मिलता था, तीनों खा लेते थे एक टाइम, तो वहाँ खा लेते थे तो एक टाइम तो घर पे खाते थे, तब वो तो बहुत सहारा था हम लोग को। अब लॉकडाउन से न खाना मिल रहा बच्चों को, न स्कूल के तरफ से राशन मिला, न कुछ। ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कर रहे हैं बच्चे? अभी तो कुल बंद है, बैलेंस नहीं, एक फोन है उसमें पैसा रहेगा तो अभी 250 रिचार्ज हम कहाँ से करवाएंगे। तो बच्चे पढ़ नहीं रहे फिर? नहीं, बंद है सब। बार सुप्रीम कोर्ट में जब अप्रोच किया गया और ये कहा गया कि ऐसे लोग जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के दायरे से बाहर हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, माइग्रेंट वर्कर्स, होमलेस लोग, उनको राशन की ज़रूरत है और पिछले साल भी दिया गया था लेकिन इस बार नहीं दिया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डायरेक्शंस दिए हैं। कोर्ट ने बेसिकली ये कहा है कि ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि सारे माइग्रेंट वर्कर्स, स्ट्रैंडेड वर्कर्स जितने भी देश में हैं उन सब को राशन दिया जाए, ड्राई राशन दिया जाए, सूखा राशन दिया जाए और कुक्ड फूड भी दिया जाए, जहां पर भी ज़रूरत है बना हुआ खाना देने की ज़रूरत है। और हमारी मांग ये भी थी एक कि कोर्ट कैश ट्रांसफ़र भी कुछ मुहैया कराएं। कोर्ट ने कहा है कि इस बार जो एफिडेविट फाइल होंगे उसमें राज्य सरकारें बताएं कि वो क्या कैश सुविधा देना चाहती हैं लोगों को, क्योंकि कुछ बेसिक, इतनी महामारी है। पिछली बार भाषा हमने देखा कि लोगों को माइग्रेंट वर्कर्स का क्राइसिस हुआ, सब सामने नज़र आ रहा था, लेकिन उस तरीके की बीमारी नहीं फैली थी। इस बार तो जो लोग हाशिए पर रह रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, डबल क्राइसिस है उनके लिए। ना केवल भूख की क्राइसिस है, बल्कि जो इस बार हेल्थ का क्राइसिस हुआ है कोविड होने के कारण, और जिस तरह से ब्लैक मार्केट में हमने देखा दवाइयाँ बिक रही थी महंगी और ऑक्सीजन सिलेंडर मिल नहीं रहे थे, जब ब्लैक में ना खरीद जाए, लोगों ने बहुत अपने परिवारजनों को बचाने के लिए डेट में चले गए हैं लोग, तो बहुत ही बुरा क्राइसिस है इस बार। सवाल सिर्फ यहाँ बसने वाले गरीबों का नहीं है, मेहनत कशों का नहीं है, सवाल पूरे देश का है। जब देश की राजधानी की एक बस्ती का हाल ये है कि लॉकडाउन खत्म होने को है और यहाँ पर गरीबों और मेहनतकशों के पास कुछ नहीं पहुँचा है, कोई ठोस चीज़ नहीं पहुँची, कोई आर्थिक मदद नहीं पहुँची, राशन कायदे से नहीं पहुँचा, तब हम सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे देश में कोरोना महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान कितनी भीषण भूख पसरी हुई है, वह भी तब जब देश के गोदाम अनाज से भरे हुए हैं, अटे हुए हैं, अनाज खराब हो रहा है।